के चौथे दिन एमपी के 3000 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ नमस्कार, मेरा नाम है तमकिनत और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे एमपी के 3000 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। जूनियर डॉक्टर पिछले 4 दिनों से अपनी मांगों के लिए हड़ताल पे थे और काम से पूरी तरह अलग थे। गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए जोड़ा को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का निर्देश दिया था। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया, गुरुवार को मध्य प्रदेश में सभी 3000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये हमारी मजबूरी है, हम अपने माननीय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं। कोरोना और ब्लैक फंगस के कहर के बीच में एमपी में जूनियर डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पे थे। करीब 3000 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर काम से किनारा कर लिया था। जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल जारी रखने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। इससे पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैधानिक करार दिया था। हाई कोर्ट ने जोड़ा को निर्देश दिया था कि वो 24 घंटे के भीतर काम पर शीघ्र लौटें। 24 घंटे के भीतर अगर वो काम पर नहीं लौटे हैं तो सरकार को जोड़ा पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। प्रदेश सरकार जोड़ा की अधिकांश मांगों को मान चुकी है। जोड़ा की मांग थी कि जूनियर डॉक्टर्स और उनके परिवार के सदस्य अगर कोरोना पीड़ित होते हैं तो उन्हें निशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे सरकार ने मान लिया था। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में बताया कि जोड़ा की अधिकांश मांगें मान ली गई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन अब भी करीब 1000 नए केस रोज़ाना सामने आ रहे हैं। बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 951 नए मामले सामने आए थे। इसके अलावा 45 मरीजों की मौत भी हुई थी। कोरोना वायरस के साथ ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।